दोस्तों आज ये बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए और कुरुक्षेत्र वासियों के लिए। वैसे तो यहाँ पर बहुत तरह के लोग आते हैं और इस मामले में कुरुक्षेत्र बड़ा नसीबों वाला है, पर आज जो शख्सियत हमारे बीच यहाँ पर हैं, मैंने कभी सोचा ना था कि उनसे इस तरह से कभी मुलाकात हो पाएगी। मेरी मुराद है गौहर राजा साहब आज यहाँ पर हैं। उनको यूट्यूब पर आप खूब देखते हैं, इसके अलावा फिल्में उनकी बहुत सारी हैं। वो अपने वैज्ञानिक सोच के लिए जाने जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, इन सब के समायोजन से जो एक आधुनिक सोच बनती है उसका एक उनके पास नमूना हमेशा रहता है। तो आइए इस मौके पर उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कुछ बातें जो गौहर रजा को गौहर रजा बनाती हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आप हमें ये बताएं कि जिस गौहर रजा को, मैं इतनी सारी चीज़ों का मुस्तहक नहीं हूँ, ये ऐसा लग रहा है कि आप किसी और की अच्छाई कर रहे हैं जो कहीं मुझसे ज़्यादा बड़ा है। मैं एक आम हिंदुस्तानी शहरी हूँ जी। अब दिक्कत ये है कि सब कुछ बनना आसान है, एक आम हिंदुस्तानी बनना बड़ा मुश्किल हो चला है। मुश्किल काम। तो आप ये बताएं कि जिस गौहर रजा को हम जानते हैं वो आखिर गौहर रजा बना कैसे और उसका कब बनना शुरू हुआ? क्या बचपन से वो बनना शुरू हुआ था या जवानी के कुछ दिन रहे या कोई और ऐसा खास मोमेंट आया, क्या उसे ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने इस शख्सियत को हमें दिया है? देखिए, शख्सियत किसी भी इंसान की, चाहे वो जाने या ना जाने, चाहे वो कहे ना कहे, एक्नॉलेज करे ना करे, शख्सियत किसी भी इंसान की उसके आसपास जो लोग होते हैं वो बनाते हैं। घर का माहौल, स्कूल, बड़ी सोसाइटी आसपास जो है उसके, वो और जो कुछ घट रहा है देश में या दुनिया में, ये सारी चीज़ें मिल के उसकी शख्सियत बनाते हैं। अगर ये कोई कहता है कि मेरी शख्सियत सिर्फ मेरी अपनी देन है तो वो गलत कह रहा है, वो कुछ ज़्यादा बात कह रहा है। जिस माहौल में मैं पैदा हुआ वहाँ अभी भी स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जो है वो ताज़ा था। घर के अंदर उसके बारे में बातचीत होती थी। घर में साइंस का माहौल एक तरफ था, दूसरी तरफ लिटरेचर, अदब, साहित्य, इनके ऊपर बातचीत होती थी। यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा था उस वक़्त कि उस माहौल में बहुत ख़राब लोग भी मौजूद थे हमारे चारों तरफ जो सांप्रदायिक थे, और वो भी लोग मौजूद थे जो सोशलिज्म की बात कर रहे थे। मेरे अपने घर में फादर कम्युनिस्ट थे, मैं उस लेगेसी से आता हूँ। और जब हमने पढ़ाई शुरू की तो जाहिर है कि मार्क्सवाद जो है वो ऐसी चीज़ लगी कि जो पूरे दुनिया को समझने में, अपने समाज को समझने में, अपने परिवार को समझने में, शिक्षा को समझने में, किसी के लेख को समझने में बहुत मदद देने वाली चीज़ थी। उससे बेहतर फलसफा मौजूद नहीं था और आज भी नहीं। मेरा मानना ये कि अगर समझना है हमको अपने देश को, दुनिया को, इतिहास को, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मार्क्सवाद सबसे बेहतर ढांचा है। तो कहीं एक जगह पे गौहर रजा शुरू हो गया ऐसा नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, मैं साइंस क्लब में भी था और लिटरेरी क्लब में भी, उसका भी प्रेसिडेंट, उसका भी प्रेसिडेंट था। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला करके एक साइंसी सोच की तरफ धकेल रही है। पर अगर कुछ मेजर आप कहें कि क्या याद है आपको, जिसने आपको बहुत इंटेंसली, बहुत ज़ोर से झिंझोड़ा हो, तो वो है वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर की जिस तरह की खबरें आ रही थी और जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी, हम जब स्कूल में बड़े हो रहे थे और घर पे अखबार में जब देखते थे और जब बच्चों को कत्ल होते हुए वहाँ देखते थे, बम गिरते हुए देखते थे, फसलें तबाह होते हुए देखते थे, औरतों के ऊपर जुल्म देखते थे, तो ये लगता था कि क्या कोई भगवान है? अगर है तो ये रोकता क्यों? और अगर रोक नहीं सकता तो कहे का भगवान? और अगर रोक सकता है और नहीं रोक रहा तो फिर काहे की पूजा? इन चीज़ों ने बहुत परेशान किया और जो सवाल उठे दिमाग में वो मुझे पर्सनली धर्म से दूर ले गए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो धर्म में लिपटे हुए लोग आसपास थे, घर के अंदर थे, बड़े ख़ानदान का हिस्सा थे, उनसे किसी तरह की नफ़रत हुई। ये शायद स्वतंत्रता संग्राम की देन थी कि इंसान के बजाय जो मानसिकता है उससे नफरत करें।
और फिर ज़ाहिर है कि अलीगढ़ एक ऐसा शहर बन गया एक ज़माने में जब हम बड़े हो रहे थे, जवान हो रहे थे, कि जिसमें दंगे ही दंगे रोज़ हो रहे थे, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, तो वो सिटी ऑफ राइट्स बन गई, दंगों का शहर। उसमें एक तरफ बचपन में डर था, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास जिसमें मेरे फादर का, मदर का, भाई बहन का, बड़े भाई बहनों का, उनका बहुत रोल है कि उन्होंने इस डर से बाहर निकाल के कुछ करो इसके लिए। तो रिलीफ कमिटीज़ में जिस तरह फादर जाते थे या पिताजी, भाई, बड़े बहने, अम्मी, मेरी मदर जाती थी, ये लोग जाते थे, तो उससे हमें शायद रास्ता मिला कि सिर्फ हाय हाय नहीं कर सकते, सीना कूटते रहना हमें जवाब नहीं देगा, हमें सोल्यूशन नहीं देगा, हमें बदलाव नहीं देगा, उसके लिए कुछ करना। तो बड़ी कमाल की चीज़ है, इसका मतलब बहुत तरह के बदलाव हम समाज में चाहते हैं और इन सभी बदलावों की शुरुआत कहीं ना कहीं होती तो घर से है, तो परवरिश किस तरह से दें अपने बच्चों को, ये बहुत एक अहम चीज़ है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो कुछ हूँ, मैं समझता हूँ कि उस वक्त सारे कम्युनिस्ट नेता घर के अंदर आते थे, मुझे एक ही गोपालन का नंबूदरी पद का, और उस वक्त के जितने नाम हैं बड़े नेताओं के कम्युनिस्ट, उनका घर में आना याद है, मीटिंग्स होना याद है, कुछ मीटिंग्स छुपके होती थी वो भी याद है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर हमले होते रहते थे लगातार। ये भी याद है कि सबसे बड़े शायर उस जमाने के घर के अंदर, यूनिवर्सिटी में, लेखक वहाँ भी और इलाहाबाद जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ भी जब जाते थे तो सबसे, मतलब फिराक गोरखपुरी का आना याद है, नेहरू का आना याद है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ढाल रही हैं। परवरिश से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है, और घर की परवरिश बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक हालांकि ये एग्जाम्पल ऐसे कई हैं पर फिर भी हर बार हैरत होती है कि एक तरफ हमारे पास एक साइंटिफिक सूझ है और दूसरी हमारे तरफ एक तरह से कहें तो इतिहास की पूरी समग्र समझ है, और इसके अलावा हमारे पास जो आर्टिस्टिक टेस्ट है वो भी उतना है। हालांकि बहुत बार ये तर्क दिया जाता है कि आप एक चीज़ हो सकते हैं, या आप शायर हो सकते हैं या फिर आप एक वाद विशेष के प्रदर्शक हो सकते हैं, तो ये सब का सब मिल के चलना कैसे संभव होता है, क्या इनमें से हर चीज़ को दूसरी चीज़ से ताकत भी मिलती है? देखिए, साइंस हो या लिटरेचर हो या पोइट्री हो, इन सब में ख्वाब देखना पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि आप वो टूल्स, वो औजार जमा करें जिससे इसमें कुछ क्रिएट किया जा सके, इसमें कुछ गढ़ सकें, आप बना सकें। आपको घड़ा अगर गढ़ना है तो उसकी एक विधि है, उसमें एक तरीका है, उसके टूल्स हैं, तो वो सीखने पड़ेंगे आपको। और तीसरी चीज़ ये है कि आप मेहनत करने के लिए भी तैयार हों। घड़ा सोचा, घड़ा बनाना सीख लिया, बनाने के वक्त सो गए तो घड़ा नहीं बनेगा। तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं कुछ करने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए। मैं इसलिए घड़े की एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो जो आदमी लगातार बुनकर और घड़े की परिभाषा देता रहा आपने और उसने विस्तार से दी है, वो कबीर हमारा, वो बदलाव लाने में सक्षम था अपने आप। तो जब आप ये सीख रहे हैं ये चीज़ें, तो समाज को बदला नहीं जा सकता सिर्फ ख्वाब देख रहे, सिर्फ टूल से। अब अगर ये टूल आपने तीन जगह, चार जगह अक्वायर कर लिए और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, आप पोइट भी हो सकते हैं, आप नाटक भी लिख सकते हैं, आप फिल्म भी बना सकते हैं। हर बार आप चीज़ को एक नए नज़रिए से देख सकते हैं और नई संभावनाएं तलाश सकते हैं। नहीं सर। अच्छा, आप कुछ बताएं कि आपका 57 के ऊपर एक खास तरह का काम है, कुछ संदेश आप देना चाहें, कुछ नज़रिया हमें देना चाहें कि इतिहास को हम देखें कैसे, पढ़ें कैसे, समझें कैसे और उसके मायनों को औरों तक पहुँचाएँ कैसे? इतिहास में समझना हो तो उसमें भी साइंसी नज़रिया चाहिए हमको, हमको साइंसी सोच चाहिए। जो घट चुका वो घट चुका, उसको बदला नहीं जा सकता, उसके ऊपर शर्मिंदा होना सही बात नहीं होगी,
उसके ऊपर गर्व भी करना बहुत सही बात नहीं होगी। उसको सही तरीके से देखना और हम जिस तरह का आगे समाज चाहते हैं उस फ्रेमवर्क में, उस ढांचे में उसको ढालने की कोशिश करना कि हम इतिहास से क्या सीख सकते हैं जिससे कि हम समाज को आगे ले जा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे देश के इतिहास के अंदर बहुत मारकाट, बहुत दमन, पर बहुत खूबसूरत लिटरेचर भी, बहुत खूबसूरत शायरी है, मेल जोल है, खानों का बनना नए नए तरह के, हमने जहाँ से जो कुछ आया, लिबास अभी जो मैं पहने बैठा हुआ हूँ, ये लिबास जने कितनी धाराएं मिली तो ये लिबास बना, ये वेस्टर्न नहीं है खाली, इसमें सूत कहीं का और कहीं के कैंची और कहीं से आया हुआ सुई का धागा है। तो मैं समझता हूँ कि इतिहास में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, हम किसको अपनी परंपरा मानते हैं ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगर हम हिंसा को, रूढ़िवाद को, उन विचारों को जो अवैज्ञानिक विचार हैं उनको अपनी परंपरा मानना लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमारा फ्यूचर भी वैसे ही बनेगा, हमारा जो आने वाला वक्त है, हमारी आने वाली पीढ़ी वैसे ही ढालेगी। लेकिन अगर हम अमन, चैन, शांति, जिज्ञासा, सवाल पूछना, वैज्ञानिक सोच, इसको अपनी परंपरा मानेंगे, हम कहेंगे कि आर्यभट्ट की नस्ल से, हम कहेंगे कि चार्वाक की नस्ल से, हम ये कहेंगे कि कबीर, नानक, रैदास, मीरा, हम इनकी परंपरा को मानते हैं, हम इनकी नस्ल से हैं, तो फिर हम दूसरी तरह का एक फ्यूचर ढालें। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है और ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि किसको हम परंपरा, और यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि आधा इधर से ले लो, आधा उधर से ले लो, अब मुसलमानों से नफरत करनी है तो पेच इधर घुमा दिया, अब मोहब्बत की बात करनी है तो पेच इधर घुमा दिया, ऐसे नहीं चलेगा। परंपरा अलग बात है, हाँ मुसलमानों ने हिंदुओं पर जुल्म किए, हिंदुओं ने मुसलमानों पर जुल्म किए, हिंदुओं ने हिंदुओं पर जुल्म किए, मुसलमानों ने मुसलमानों पर जुल्म किए, ये सब कुछ हुआ है। परंपरा किस चीज़ को हम अपना मानते हैं, किस चीज़ को हम कहते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, ये तलाश करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एक इस बातचीत में बहुत सारे इशारे मिलते हैं कि हमें किस तरह चीज़ों को देखना चाहिए। अभी एक तरह से हमने आपके माध्यम से बात बाहर रखनी चाहिए कि इतिहास को कैसे हम समझें, पर मुझे लगता है कि एक जो हमारा बड़ा तबका है आज के समय में विज्ञान पढ़ता है, विज्ञान पढ़ता ज़रूर है पर जैसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए वो वैसा नहीं है, क्या उन लोगों के लिए कुछ कहने को है? अगर कोई विज्ञान पढ़ता है और वो अपनी ज़िंदगी में विज्ञान को इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ लेबोरेटरी तक सीमित कर देता है विज्ञान को, तो मेरे हिसाब से वो सही साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट वही है जो साइंस की सोच भी रखे, जिसका मतलब ये है कि साइंस में हम सवाल पूछते हैं, हम इसके लिए तैयार रहते हैं कि पुरानी मान्यता को फौरन छोड़ दें अगर नए आंकड़े आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि पुरानी मान्यता गलत थी। यही आधार बनता है साइंस की सोच के आगे बढ़ने का। हम इसके लिए तैयार हों कि हम पिछले साइंटिस्ट को जब गलत ठहराते हैं तभी साइंस आगे बढ़ती है, अगर पिछले साइंटिस्ट से हम सहमत हैं तो साइंस आगे नहीं बढ़ रही। तो पुरानी हर मान्यता को छोड़ने के लिए अगर हम तैयार हैं, ये चीज़ें अगर साइंस सिखा रही है हमको और हम इनको ज़िंदगी में नहीं गुजार, हम ज़िंदगी में वही कर रहे हैं जा कर के कि हमारे फादर ने ये बताया था, मदर ने ये बताया था, तिलक लगाना है, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ना है, ये करना है, ऐसे करना है, इधर ही मुँह करना है, यही वाली किताब पढ़नी, तो फिर तो आगे नहीं बढ़ेगा मामला जी। वो साइंटिस्ट जो है वो गड़बड़ साइंटिस्ट है, वो कम साइंटिस्ट है जो अपनी ज़िंदगी में वैज्ञानिक सोच को नहीं लाया जी। वास्तव में विज्ञान का मतलब कुछ और है, अपने आप में एक दर्शन है, एक विषय नहीं है। और आखिर में बस हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके ऊपर आपका एक बहुत शानदार एक तरह से अध्ययन है, आप काम करते हैं,
पर आप अपने बहुत सारे विचारों को कई बार नज़मों के माध्यम से सामने रखते हैं और वो बड़ी सटीक बैठती हैं, वो जहाँ तीर लगना चाहिए वहाँ बेधता है उसको। तो कोई आखिर में एक संदेश के रूप में कोई नज़्म कोई रचना हम सबके साथ साझा करना चाहें आप तो शुक्रगुजार रहेंगे। ये सवाल जो आपने पूछा था कि हिस्ट्री को किस तरह से देखना चाहिए, इस पर एक नज़्म है। मुझे सवाल बहुत दिन से परेशान कर रहा था कि परंपरा में और इतिहास में क्या फ़र्क है। उसके ऊपर जो कविता है वो आपको सुना देता हूँ। इतिहास तो सब जानते हैं, मीरास का मतलब होता है परंपरा उर्दू में। तुम किसको मीरास कहोगे, किसको अपना मानोगे तुम? वक्त के सागर की लहरों में गर्व के मोती कुंदन पारस, खुशियों की मध्यम शहनाई, ज्ञान की ज्योति प्यार की मस्ती, संगम कितनी ही नदियों का, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों सिमतों से घिर घिर कर मत वाले बादल का आना, टूट बरसना रक्त का मिलना, मिलते जाना ऐसे के पहचान न पाओ, चाहो फिर भी जान न पाओ। अपने वक्त के इस सागर की कोक से जन्मा एक एक हिंसा, जहनों की परवाज ने छूली विज्ञानों की सब सीमाएं, सीमाओं ने जब जब डाला डेरा अपना, हर बादल ने सब नदियों ने फिर सैराब किया धरती को, मेहमा अपने ऐसे ही थे जैसे नरम ख्याल आते हैं, घर करते हैं बस जाते हैं। हाँ लेकिन इन्हीं लहरों में शोर कदूरत नफरत भी है, वेदों का बहता सीसा है, पुराणों के हाथ में वो है जिसने जिस्म के टुकड़े करके सब हाथों को बांट दिया था, यहीं खुदा के नाम पे बहते खून से जूते लाल हुए हैं, ये सारा इतिहास है। किसको अपना मानोगे तुम किसको मीरास कहोगे, किसको अपना जानोगे तुम किसको मीरास कहोगे? बहुत शुक्रिया। और असल में वक्त हमें कहता है कि हम ज़्यादा वक्त आपका ना लें, आपको पहुंचना है, पर मुझे लगता है कि आपसे मिलना हम सब के लिए एक शुरुआत भर है और बहुत दिनों से तलब थी आपकी और जब वो कहेंगे खुदा ने हमारी वो पूरी की। आपसे बस यही निवेदन है कि आप आते रहें, हम जैसे कितने ही लोगों को एक अपना मार्गदर्शन देते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।